हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी, सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। जो मेरी शरण में आता है, जो अंतःकरण से मेरा उपासक है, उस भक्त के कल्याण के लिए मैं हमेशा चिंतित रहता हूं। उस भक्त के घर में अन्य वस्त्र की कभी कमी नहीं होती। मैं भक्तों से जो कुछ भी स्वीकार करता हूं, मुझे उससे 100 गुना उसे लौटाना पड़ता है। एक महान तपस्वी का शिष्य भगवान के दर्शनों के लिए बेचैन था। वो बार बार तपस्वी से पूछता रहता था, गुरुदेव मुझे भगवान के दर्शन कब होंगे। वो तपस्वी तंग आ गया रोज रोज ये सुनकर। एक दिन शिष्य ने जैसे ही उससे पूछा तो तपस्वी ने झट से उसे कह दिया, इस आश्रम के पीछे जो जंगल है, तुम उन्हीं जंगलों में चले जाओ, भगवान तुम्हें वहीं दिखाई देंगे। जैसे ही वो जंगल में गया, भगवान कहाँ हैं आप? मेरे गुरुदेव ने बताया आप यहाँ हैं, मुझे दर्शन दीजिए। मेरे भक्तों के लिए दक्षिणा वो होती है जो मैं उनसे मांगता हूं। उनसे दक्षिणा के रूप में उनकी चिंताएं, उनकी विवेचनाएं अपनी झोली में डाल लेता हूं। कहते हैं भगवान में 6 प्रकार के विशेष गुण होते हैं, कीर्ति, श्री, वैराग्य, ज्ञान, ऐश्वर्य और उदारता, और आप में ये सारे गुण हैं। तात्या, सुना तूने? महालसापति मुझे भगवान बना रहा है। आप भगवान ही तो हैं भैया, इसीलिए तो आपके अनगिनत भक्त हैं। हाँ, और आप भक्तों पर कृपा भी करते हैं, इसीलिए तो आपने काशीनाथ काका से दक्षिणा ली और उनकी बेटी को तुरंत ठीक कर दिया। इसका मतलब यही है कि आपको हमेशा अपने भक्तों की चिंता रहती है। महालसापति, जो मेरी शरण में आता है, जो अंतःकरण से मेरा उपासक है, उस भक्त के कल्याण के लिए मैं हमेशा चिंतित रहता हूं। उस भक्त के घर में अन्य वस्त्र की कभी कमी नहीं होती। मैं भक्तों से जो कुछ भी स्वीकार करता हूं, मुझे उससे 100 गुना उसे लौटाना पड़ता है। जो श्रद्धा से मेरे द्वार पर आते हैं, इस द्वारिका माई की सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, उनके दुख
उनके दर्द मैं ले लेता हूं। श्रद्धा, पत्थर को भगवान बना देती है और मिट्टी को उदी। मैं अपने भक्तों को कभी मझधार में नहीं छोड़ता। मेरा भक्त जब भी मेरी तरफ देखता है उसे लगता है मैं उसकी तरफ देख रहा हूं। भक्त जब भी मुझे पुकारता है मैं उसकी मदद के लिए पहुंच जाता हूं। तात्या, तुम्हें वो कहानी याद है? कौन सी कहानी भैया? एक महान तपस्वी का शिष्य भगवान के दर्शनों के लिए बेचैन था। वो बार बार तपस्वी से पूछता रहता था, गुरुदेव मुझे भगवान के दर्शन कब होंगे? वो तपस्वी तंग आ गया रोज रोज ये सुनकर। एक दिन शिष्य ने जैसे ही उससे पूछा तो तपस्वी ने झट से उसे कह दिया, इस आश्रम के पीछे जो जंगल है तुम उन्हीं जंगलों में चले जाओ, भगवान तुम्हें वहीं दिखाई देंगे। तो शिष्य जंगल में गया? जाता कैसे नहीं, उसे तो भगवान के दर्शन की ललक थी। तो क्या उसे भगवान के दर्शन हुए भैया? हाँ, जैसे ही वो जंगल में गया, भगवान कहाँ हैं आप? मेरे गुरुदेव ने बताया आप यहाँ हैं, मुझे दर्शन दीजिए भगवान, मुझे दर्शन दीजिए। शिष्य बड़ा प्रसन्न हुआ, वो भागता हुआ गुरु के पास आया। गुरुदेव, 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 मुझे आपकी कृपा से भगवान के दर्शन हो गए। क्या झूठ बोल रहे हो? मैं इतने सालों से तपस्या कर रहा हूं, आज तक मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए, तुम्हें कैसे हो गए वत्स? अब तुम बताओ तात्या, तपस्वी को भगवान के दर्शन क्यों नहीं हुए और शिष्य को क्यों हो गए? श्रद्धा, है ना भैया, शिष्य को गुरु पर पूरी श्रद्धा थी, मगर तपस्वी को अपने तप पर अहंकार था, उसके मन में श्रद्धा नहीं थी। श्रद्धा से पत्थर भी तैरते हैं, श्रद्धा से पत्थर पर प्रभु का नाम लिखा और सेतु बन गया। नाम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी गिर जाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी गिर जाते हैं। श्रद्धा और सबरी, सबका मालिक एक है। काय रे तात्या, तुम और महासपति जी साई के साथ द्वारका माई में सोते हो ना? तात्या, क्या साई बाबा तुम्हें लोरी सुनाकर सुलाते हैं? हाँ बाबा, भैया मुझे लोरी नहीं सुनाते, वो तो रात भर मुझसे और महालसपति जी से बातें करते हैं। अग्गू भाई, रात भर? हाँ माँ, रात भर। तात्या, क्या बातें होती हैं तुम तीनों में? हाँ हाँ, कुछ बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। भैया कभी कभी बहुत ही गूढ़ बातें करते हैं, पर जब वो ऐसी गुड़ बातें करते हैं तब मुझे लगता है
मैं द्वारिका माई में नहीं, अंतरिक्ष में हूँ। अंतरिक्ष? मैं तो सर्वव्यापी हूँ, विश्व के समस्त मूलों तथा चराचर में व्याप्त होकर भी अनंत हूँ। मैं तो अपने भक्तों का दास हूँ, जो श्रद्धा पूर्वक मेरा स्मरण करेगा मैं उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण कर दूंगा। यदि तुम केवल साईं साईं का नाम ही उच्चारण करोगे तो मैं तुम्हें भवसागर से पार उतार दूंगा। जो मेरे चरित्र और कर्मों का श्रद्धा पूर्वक गायन करेगा उसकी मैं हर प्रकार से सदैव सहायता करूंगा। जो अपने हृदय से और प्राणों से मेरी भक्ति करते हैं, धर्म कर्म अर्थ और मोक्ष उन्हें सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। भैया की बातें मेरी समझ में नहीं आई, पर फिर भी मुझे उनकी बातें सुनने में एक प्रकार का आनंद मिलता है। भैया के साथ मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी दिव्य लोक में हूं। माँ, कभी कभी मुझे नींद आ जाती है और मैं सो जाता हूं। तो फिर तुम्हारे भैया क्या करते हैं? क्या वो भी सो जाते हैं? तात्या, ओ तात्या, सो गए क्या? सो गए क्या? भैया मुझे नींद आ रही है। अरे उठो उठो, अब तक तो आधी रात भी नहीं हुई है, सो गए? भैया आप भी सो जाइए ना। तात्या, तुम्हारे भैया सो जाएंगे तो रात्रि को विश्व की पहरेदारी कौन करेगा? साईं बाबा के बारे में हम जितना भी सुनते हैं हमें कम ही लगता है। हर सुबह के साथ हमारा साईं हमें नया लगता है। हाँ तात्या, सच कहता है तुम्हारा भैया, सच। जब भी हम साईं साईं कहते हैं तब हमारे मन का तनाव हल्का हो जाता है, मतलब हमारे पापों का बोझ हल्का होता जाता होगा। हाँ, हमारे पाप नष्ट होते होंगे। मेरा साईं, मेरा साईं, मेरा साईं नाथ, मेरा साईं।